पिछले दो तीन दिन से मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ कुछ बहुत फेमस पर्सनालिटी से, टेलीविजन एंकर से, लॉयर से, लड़कियों से जो कि बहुत पावरफुल सिचुएशन में है, और उनसे बात कर रहे हैं हम स्टॉकिंग की, क्योंकि द क्विंट हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन कॉल्ड #stalking. स्टॉकिंग क्या होता है? जब आप किसी लड़की से बगैर उसकी मर्जी के या उसे फॉलो करते हैं, उसे इन्यूमरेबल SMS भेजते हैं, कॉल्स आती हैं, और यह हमारे साथ बहुत ऑफ्टन होता है ना, किसी रैंडम नंबर से हमें कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, फिर आती रहती हैं, फिर आप इरिटेट होकर अपने डैड को देते हो, अपने हस्बैंड को देते हो, अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन देते हो, फिर वो गालियाँ देते हैं, फिर अगर नंबर्स नहीं रुकते हैं फिर आप एक्सट्रीम केस में जाकर पुलिस को बताते हो. अब क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में इनफैक्ट रिकॉर्ड्स जो दिखाते हैं वो ये बताते हैं कि ऑलमोस्ट 80% केसेस में जब आप एक्सट्रीम केस में पुलिस के पास जाते हो तो इससे पहले कि चार्जशीट फाइल हुए लिटरली उन लोगों की बेल हो जाती है. और इसीलिए द क्विंट एक ऐसा कैंपेन कर रहे हैं जहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टॉकिंग को एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाना चाहिए. अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना. अब मैं चाहती हूँ कि आज आप रेडियो सिटी 91.1 पर ये बताएं कि हैव यू एवर बीन स्टॉक्ड बाय अ मैन ऑन द रोड, बाय ईमेल्स, बाय SMS. आप बहुत परेशान हो गए, आप बहुत हासिल हो गए और आपको नहीं समझ आया कि आप क्या करें. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है और क्या ये सिर्फ औरतों के साथ होता है? 4171-9191 आपके एक्सपीरियंसेस मैं जानना चाहती हूँ आज रेडियो सिटी 91.1 पर. जब मैं 8 स्टैंडर्ड में थी तो मेरे क्लास में एक लड़का था एंड वो मेरे बहुत पीछे बड़ा था. ठीक है, ही यूज्ड टू स्टॉक मी, लाइक ही यूज्ड टू राइट लेटर्स टू मी. जब मैं ट्यूशन जाती थी वो मेरे पीछे पीछे आता था, मेरे घर में वो छुप छुप के साइड में खड़ा रहता था. एंड वो बहुत मतलब यू नो लाइक जब मैं क्लास में पढ़ाई करती थी वो एक मिरर लगा के ऐसे देखता रहता था एंड ऑल दीज थिंग्स. एंड दीज थिंग्स यूज्ड टू इरिटेट मी अ लॉट उस टाइम पे. मेरे फ्रेंड्स को पता था, मेरे सिस्टर को पता था, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी मॉम को बताऊं. बिकॉज़ वो टिपिकल इंडियन पेरेंट्स होते हैं ना कि देव से कि नहीं तुमने कुछ गलत किया होगा इसलिए तुम्हारा पीछे ये पड़ा है बेसिकली. तो मैंने उसके भाई से बताया कि देखो वो ऐसे कर रहा है एंड मैं ही सर कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो ऐसा ही है, वो तो आप तो को बहुत लाइक करता है, तुम उससे बात क्यों नहीं करती हो एंड ऑल दीज थिंग्स. तो वो भी उसका टोटल एक जो साइड ले रहा था उस टाइम पे करके. एंड देन दिस थिंग वेंट फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड टू 10th ग्रेड. For 2 years, you were constantly harassed. Two years, I was constantly. और तुमने मॉम डैड को नहीं बताया? नहीं, मेरी यू नो लाइक इंडियन पेरेंट्स की जो मेंटालिटी होती है ना वो चेंज करने की बहुत जरूरत है. I love this point that you make. I think this is a very important point कि माँ बाप को अपने बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कि उनके बच्चे आकर उनको बोले विदाउट ये डरे हुए कि मॉम डैड हमी को थप्पड़ मार देंगे. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट. और इस समय मेरे साथ है वकाशा सचदेव जो कि हैं द क्विंट से, जिनका ये कैंपेन है #stalking. वकाशा, यू गाइस वांट कि लोग आपके साइट पर जाएं, change.org पे जाएं, पेटिशन साइन करें कि स्टॉकिंग को एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बना देना चाहिए. इज दैट राइट? हां जी, दैट्स करेक्ट. वकाशा, वन क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ पीपल विल आस्क इज दैट शुड यू, अगर आप इसे नॉन बेलेबल ऑफेंस बना लेंगे क्या आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं औरतें इस बात का फायदा उठा सकती हैं? नहीं, आई डोंट थिंक ये इसका एक्चुअली इतना प्रॉब्लम है. दो चीज़ें हैं, एक तो कि नॉन बेल ऑफेंस का ये मीनिंग नहीं है कि लोगों को बेल नहीं मिलेगा. एक तो वो है. इन टर्म्स ऑफ विमेन मिसयूज करने के लिए देखो, एक तो नंबर्स जो मिसयूज किए वो बहुत कम है, एक्चुअल स्टडीज ने दिखा है. जो कंसर्न ये है कि ठीक है, हो सकता है, हम उसके लिए भी एड्रेस कर रहे हैं कि एक तो हम उसका थ्रेशोल्ड बढ़ा रहे हैं. सपोज आई डू अ केस अगेंस्ट यू, व्हाट ऑल डू आई हैव टू प्रूव? आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं रिपीटेडली आपको कांटेक्ट कर रहा हूँ, आपने बोला कि नहीं कांटेक्ट मत करो, उसके बाद ही मैं कर रहा हूँ. और आपको ये भी दिखाना है कि आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, मेंटल एंग्जायटी, डिस्ट्रेस, ये हमने एक एडिशन किया है कि ये भी एडिशन. इट्स वेरी टफ टू डू. ऑल्सो अगर कोई भी इंसान झूठ बोल रहा हो लोगों के बीच में डर बैठ, ये डर की बात है. और ये भी है कि इसको ये सीरियस चीज है. जब ये इंट्रोड्यूस किया था उसको नॉन बेलेबल बनाया था क्योंकि ये सीरियस है. लोग अगर ये चेक नहीं करोगे तो फिर जाके स्टॉकर जो अरेस्ट करोगे बाहर जाके बेल पे, वो फिर से अटैक करेगा. बहुत ऐसे सिचुएशन, यू नो दिस इज रियली अ सैड सिचुएशन. क्योंकि मैं बहुत सारी स्टोरीज पढ़ रही थी, बहुत सारे लोगों की कहानियां पढ़ रही थी, उसमें यही लिखा है कि अगर आप एसिड अटैक विक्टिम से बात करते हैं, इनिशियली शुरुआत स्टॉकिंग से होती है. अगर आप किसी से बात करते हैं जिसको किडनैप कर लिया गया, शुरुआत अगेन स्टॉकिंग से होती है.
किसी लड़की को फिजिकली हार्म किया गया है, शुरुआत स्टॉकिंग से होती है, इस शुरुआत को कहीं ना कहीं अंत करने की जरूरत है। और इसीलिए ये कैंपेन, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, इस पेटिशन को साइन कर सकते हैं द क्विंट पे जाकर या फिर change.org पर जाकर साइन करके। अगर ये पेटिशन सक्सेसफुल हुई तो शशि थरूर इस बिल को टेबल करेंगे पार्लियामेंट में और ये जाकर एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बन सकती है। थैंक यू वेरी मच वकाशा। थैंक यू सो मच किनी फॉर यू।